पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए आज पुराने विधायकों को जबरदस्त झटका दिया है जी हां पंजाब में अब पूर्व विधायकों को सिर्फ एक टर्म की ही पेंशन मिलेगी इसके साथ साथ पूर्व विधायकों को जो फैमिली भत्ते मिलते हैं उनमें भी कटौती करने का आदेश दिया गया है किसी भी पार्टी का उम्मीदवार चाहे चार बार विधायक रहे हों या फिर एक बार सभी को एक ही पेंशन दी जाएगी जी ये भगवंत मान ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा किया है और कहा कि अधिकारियों को इसे लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी राज्य के फजूल खर्ची को कम किया जा सके हैरानी होगी तो कि बहुत सारे एम एल ए कोई तीन बार जितया हुआ है हार गया कोई चार बार जितया होया टिकट नहीं मिली पांच बार जितया हुआ छह बार जितया होया नहीं आए विधानसभा ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ भगवंत मान ने बड़ी बात करते हुए कहा कि राज करने कोई सेवा करने एक बार आता है मौका मांगता है आम लोगों से और सत्ता में आने के बाद जन कल्याण का काम नहीं करता है इसलिए अब हमने ये फैसला लिया है मान ने कहा कई विधायक तो ऐसे हैं जो चार बार विधायक रहकर हार गए किसी की पेंशन चार लाख किसी की सवा लाख है लेकिन अब सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी मान ने आगे कहा कई विधायक तो सांसद भी रह चुके हैं और अभी भी वो पेंशन ले रहे हैं ऐसे में ये धांधली अब राज्य में नहीं चलेगी और पूर्व विधायकों को अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगा फैमिली भत्ते में भी कटौती की जाएगी उन्होंने जन कल्याणकारी योजना के तहत ये फैसला लिया है ताकि प्रदेश में फजूल खर्ची को रोका जा सके जी हाँ आपको बता दें कि जब से भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार एक के बाद एक जन कल्याण वाले योजनाओं की घोषणा जरूर कर रहे हैं आगे कब तक करते रहेंगे और धरातल पर ये कब तक नजर आएगा क्योंकि घोषणाएं तो घोषणाएं हैं है। हकीकत में कब बदलेगा इसे देखने के लिए जनता उतार है जनता को धरातल पर अब तक तो कुछ नजर नहीं आया है जैसे ही धरातल पर कुछ नजर आएगा तो जैसे दिल्ली में केजरीवाल रिपीट पर रिपीट कर रही है अगर भगवंत मान ने भी ऐसा कुछ कर दिखाया तो आगे रिपीट पर रिपीट कर सकते हैं बने रहिए है मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए